पिछले दो दशकों से आमिर खान फिल्मों को लेकर काफी सिलेक्टिव हो गए हैं। वो कम फिल्में करते हैं, 3 से 4 सालों में उनकी एक फिल्म रिलीज होती है, लेकिन जो भी फिल्म वो लेकर आते हैं वो कमाल कर जाती है। अब ऐसे में कमाल की उम्मीदें लाल सिंह चड्ढा से लगाई जा रही है। फिल्म फाइनली बनकर तैयार है और 11 अगस्त को इसकी रिलीज डेट भी फाइनल कर दी गई है। इससे पहले भी फिल्म की रिलीज डेट कई बार टाली जा चुकी है। वहीं अब फिल्म और फिल्म के कलाकार काफी चर्चा में हैं। लाल सिंह चड्ढा में जहां आमिर खान ने अपनी जी जान लगा दी है, तो वहीं इस फिल्म से नागा चैतन्या भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म में आमिर खान की पत्नी का रोल निभा रही है करीना कपूर, जो कि मनप्रीत कौर चड्ढा के किरदार में होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए उन्होंने 8 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। तो वहीं अब इस मूवी का प्रमोशन भी चालू कर दिया गया है। जी दोस्तों, अभी हाल ही में इस मूवी का पहला गाना रिलीज किया गया था, जिस सॉन्ग का टाइटल कहानी रखा गया है। ये सॉन्ग एक लिरिकल वीडियो सॉन्ग है। ये सॉन्ग जीवन की कहानी के इधर गिर्द घूमती है। तो वहीं इस सॉन्ग के बाद इस मूवी से एक रोमांटिक सॉन्ग भी आउट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते दिनों फिल्म का एक रोमांटिक गाना जुगनू शूट हुआ था। इस गाने को गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने अपनी आवाज दी है, तो वहीं प्रीतम ने इसे अपने संगीत से सजाया है। फिल्म से जुड़े एक सूत्र के अनुसार फिल्म के रोमांटिक गाने की शूटिंग के लिए एक बार फिर से पंजाब का रुख किया था। दोनों कलाकार पंजाब में फिल्माए गए इस रोमांटिक ट्रैक जुगनू में एक दूसरे से रोमांस करते हुए नजर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के प्रमुख भाग को पंजाब में ही शूट किया गया है। आखिरी बार दोनों ने फिल्म 3 इडियट्स में एक रोमांटिक गाने जुबी डुबी की शूटिंग की थी। गाने के बारे में बताते हुए डायरेक्टर अद्वैत चंदन ने कहा, हमने जुगनू की शूटिंग के दौरान बेहद धमाल किया है। यह आमिर सर और करीना मैम के साथ फिल्माया गया एक रोमांटिक गाना है। उनकी केमिस्ट्री इतनी अद्भुत है कि मैं कट नहीं करना चाहता था। मैं ये गीत को दर्शकों को दिखाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हैं लाल सिंह चड्ढा मूवी और इस मूवी के गानों को सुनने और देखने के लिए, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे चटपटे गॉसिप न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल गॉसिप वाला को सब्सक्राइब भी कर लें। बड़े मियां छोटे मियां में देखने को मिलेगा ये दो सुपर हिट सॉन्ग। जानिए कब देखने को मिलेगा ये सॉन्ग, जब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने मिलकर अपनी अपकमिंग मूवी बड़े मियां छोटे मियां की अनाउंसमेंट की थी। तब से फैंस के बीच इस मूवी को लेकर एक अलग ही माहौल बन गया है, और बने भी क्यों ना, क्योंकि दोनों ही बॉलीवुड के सबसे बेस्ट एक्शन हीरो में से एक माने जाते हैं। अक्षय कुमार के एक्शन को ऑडियंस काफी पसंद करती है, और टाइगर श्रॉफ ने अपने नन्हे से करियर में एक्शन हीरो की छवि हर किसी के दिल में बना ली है। और जब ये दोनों ही एक्शन हीरो हमें एक बड़ी मूवी में नजर आएंगे, तो सोचिए वो मूवी क्या कमाल करेगी।